कभी भी अशांति नहीं फैलाओ बच्चे ध्यान में रखना एक ही लंका में रावण भी रहता था कुंभकर्ण भी रहता था रावण के बच्चे भी रहते थे और विभीषण भी रहता था विभीषण ने गलती से भी कभी रावण को नहीं कहा श्री राम जी की पूजा करो एक ही लंका में एक ही घर में रहते थे कभी नहीं कहा श्री राम जी को याद करो उनकी पूजा करो उसका पाठ श्री राम जी कहेंगे तब मैं कहूंगा तब तक मैं नहीं कहूंगा कि श्री राम जी को याद करो अगर विभीषण जी कहते ना उस प्रकार से कि वो करे विभीषण जी का पाठ समाप्त होता कंप्लीट रावण तो नहीं पूजा करता पर विभीषण जी का भी पाठ समाप्त हो जाता इसलिए तुझे जो मिला है वो तुझे करना है किसी और को कहना नहीं है बच्चे सपने में भी नहीं कहना है उसको जो करना है करने दो उसका पार्ट है उसका ड्रामा है तू नहीं कह सकता बच्चे अभी मैं तुझे कह रहा हूं तू शांत हो जा हर कार्य शांति से करो तू शांत रहे किसी के भी किसी भी बात में नहीं जा श्रीमत है बाप की ध्यान देना समझ की बात है बच्चे समझदार बनो होश में आओ अभी बस एक अनाउंसमेंट होगी अगर जनरल बात है तो समझ की बात है बाप शरबत दे रहा है सबको ठीक है बाप ने अनाउंसमेंट की शरबत सभी लेंगे तू मेरे पास आया तेरा मन नहीं शरबत पीने का तुझे गन्ने का रस पीना है तू अनाउंसमेंट नहीं कर सकता गन्ने का रस और कोई पिएगा बाप ने शरबत की अनाउंसमेंट की है ना तूने गन्ने के रस की बात कैसे सामने रखी मुझे गन्ने का रस पिलाना होता तो मैं पिला देता पर ड्रामा शरबत कह रहा है ना तुझे चाहिए तू पी तू दूसरे को कह नहीं सकता कोई गन्ने का रस पिएगा क्या बात समाप्त तू कुछ भी कह नहीं सकता किसी को तुझे जो अच्छा लगता है जिसमें तेरा कल्याण है तुझे जो श्रीमत मिले वो तू कर ऐसे भी नहीं कि मनमत पर जागने का रस पीने मनमत पे ऐसे सब चले तो कैसे चलेगा यज्ञ समझ की बात है सारी समझदार बनो बच्चे पूरा पूरा जब तक बच्चे कोई भी मनमत तेरे अंदर है खाना पीना पहनना जागना सोना उठना बैठना तब तक तू मेरा ज्ञान नहीं ले सकता मैंने कहा ना सोना है सोना ही है नींद आए या ना आए कोई बच्चा मुझे क्या कहता है बाबा नींद नहीं आ रही श्रीमत टूटी तेरी अनकॉन्शियसली मैंने श्रीमत दी थी सोना है तू कह रहा है नींद नहीं आ रही टूटी श्रीमत बात समाप्त अकल्याण निश्चित तेरा तुझे कुछ भी करना है नींद आनी ही चाहिए बाप नहीं जानता बाप ने श्रीमत दी है सोना है अभी बास समाप्त तूने कहा ना मन नहीं है बास समाप्त बच्चे तेरी बच्चे संभल कर रहना मन मत चलाते 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 कई ड्रामा ना हो जाए इसलिए मन मत ना चला बाप कभी कहता है चलो चाय की तैयारी करो कोई बच्चा कहता है बाबा मुझे चाय नहीं जाएगी कॉफी ले मैंने कभी ना बोला है पर श्रीमत तोड़ी तूने मीरा ने तो जहर लिया मैं तो तुझे सिर्फ चाय दे रहा हूं समझ की बात है चाय नहीं पीनी है वो भी श्रीमत तोड़ी पीनी ही पड़ेगी पीनी ही पड़ेगी ऑप्शन नहीं तेरे पास बाप के मुख से निकला बात समाप्त बच्चे बाप से मुकल बाप से मुख से निकलने वाला हर शब्द तुझे पालन करना है वरना फिर बाप के साथ बच्चे मत रहे मैं हाथ जोड़ता हूं बोझा बहुत चढ़ेगा विराट बोझा चढ़ेगा तुझ पर अनंत कल्पों तक याद करके भी चुक तू नहीं होगा मेरे साथ चलना है तो श्रीमत पर चल वरना ना चल बच्चे विराट बोझा चढ़ेगा फिर कहेगा ऐसे भी होगा बच्चे कि मेरे साथ चल के पाप के भागी बनेंगे ऐसे नहीं समझना सिर्फ पुण्य के भागी बनेंगे पाप के भागी महापाप के भागी फिर कहेगा बाबा ये क्या हो गया सारी जीवन आपके साथ चले और अंत में पता चला सिर्फ पाप ही जमा हुआ मन मत श्रीमत पालन की कब तूने कब की बच्चे बता मुझे समझ है और ध्यान में रखना सभी बच्चों को बाप कहना चाहता है श्रीमत उसी सेकंड पालन की जाती अगला सेकंड भी नहीं अगली बार तो छोड़ दो अगला सेकंड भी अलाउड नहीं है उसी सेकंड में जब बाप ने कहा उसी से उसी सेकंड में हाजी है तो है नाजी है भूल जा एक सेकंड के बाद भी तू नहीं कह सकता नहीं नहीं बाबा आपने कहा है तो कर रहे हैं नहीं बच्चे मत कर पाप चढ़ गया तुझ पर अभी करने से कुछ नहीं होगा उस ही सेकंड जो मेरे साथ चल रहे हो अब तक जो हुआ मैं माफ कर रहा हूं सबको माफ कर रहा हूं अब तक जो हुआ इस सेकंड से आपकी ज़िम्मेवारी है इस सेकंड के बाद आपको माफी नहीं मिलेगी आठ बजकर त्रेपन मिनट हुए इसके बाद से माफी नहीं मिलेगी ध्यान में रखना समझ की बात है बच्चे तुझे समझ में नहीं आता बाप क्या कहता है समझदार बन होश में आ जा श्रीमत इज श्रीमत मनमत से ही अशांति फैलती है फिर मनमत से तू अच्छा भी कार्य कर फिर भी अशांति फैलेगी मैं लिख के देता हूँ मनमत से मुरली भी पढ़ अशांति फैलेगी मनमत से योग भी कर अशांति फैलेगी मनमत से सकाश भी दे अशांति फैलेगी लिख के देता हूँ और अगर नहीं फैली पहाड़ बंद कर दूंगा चैलेंज है मेरा मनमत से तू कुछ भी कर सिर्फ अशांति फैलाएगा सारे विश्व में इसीलिए तो श्रीमत चाहिए अब बोल मनमत से मुरली पढ़ने के बाद अशांति फैलती है तो बचा क्या फिर भगवान की मुरली पढ़ने से अशांति फैलती है क्योंकि बच्चे मनमत से मुरली उठाई है श्रीमत मन श्री मत बता बच्चों आप बताओ आपके लौकिक परिवार वाले ज्ञान में नहीं है और मुरली पढ़ रहे पुण्य मिलेगा या पाप लगेगा मेरे हिसाब से पाप लगेगा क्योंकि मुरली पढ़ने के लिए शर्मत चाहिए पात्रता चाहिए पात्र है वो ज्ञान में नहीं चल रहे तो ऐसे कैसे मुरली पढ़ सकते समझ है बच्चे क्लास सुन रहे बाबा का कोई बात निरा ली मुरली कैसे सुन सकते हैं पहले चलो और कितनी भी मुरली सुने पाप ही जमा होगा खाते में स्टैम्प पाप का लगेगा समझ की बात है जैसे गायत्री मंत्र के लिए कहते हैं कि अगर कैपेसिटी नहीं पात्रता नहीं तो गायत्री मंत्र करना नहीं चाहिए वरना जीवन क्या होगा कह नहीं सकते सेम बात है जब तक मेरे बने नहीं हो श्रीमत मिली नहीं मुरली भी नहीं पढ़ सकते मुरली भी नहीं कर सकते बच्चे समझदार बनो होश में आ जाओ इसलिए बच्चे श्रीमत इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्रीमत के बिगर कुछ नहीं करना और बाप ने जो कहा वो करो वरना बोझा चढ़ेगा जो कहा है इतने बजे सोना है इतने बजे उठना है सोना ही है उठना ही है ये करना है करना ही है और नहीं जमता घर चले जाओ बाप ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि यहाँ ही रहो कर सकते हो तो चलो मिलिट्री में जाके तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो निकाल देंगे समझ की बात है बच्चे बाप के श्रीमत अनुसार चल सकते हो तो बाप के साथ चलो वरना मत चलो मनमत पर चलना है तो मत चलो समझ की बात है सारी होश में आ जाओ बच्चे पाप क्यों जमा कर रहे हो अपने खाते में मन मत पर चल कर ऐसे करो बाबा वैसे करो हाँ जी बच्चे करो और पाप जमा करो ध्यान में रखना मेरी हर बात के लिए हाँ जी होती है क्योंकि मैं पाप और पुण्य से परे हूं और फिर तुम्हारे खाते में अगर पाप जमा हुआ तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं संभल कर रहना बच्चे बाप के मुख का पहला शब्द आखिरी शब्द है तुमने अगर उसे चेंज किया है तो बाप का शब्द नहीं है संभल कर रहना बाप का कहना और बच्चे का करना नहीं कर सकते तो बच्चे मेरे साथ मत चलो पाप जमा मत करो ध्यान दो फिर साकार में बाप कहे आकार में कहे निराकार में कहे करना ही है वरना बच्चे अनंत कल्पों में अनंत जन्मों में दुख ही पाओगे इससे अच्छा दूर रहकर जो हो पुरुषार्थ करो साथ मत चलो संभल कर रहना ध्यान देना एक श्रीमत पर चलना है दूसरा किसी के भी किसी भी बात में नहीं जाना है देखना भी नहीं है एक दिन धारणा लगाऊंगा कोई किसी की देह को नहीं देखेगा किसी की तरफ नहीं देखेगा अभी तो है ही है धारणा कि आत्मा ही देखना है देह नहीं देखनी पर इतनी स्ट्रिक्ट कि किसी को किसी की आंखों में चेहरे के तरफ भी नहीं देखना है लग जाएगी एक दिन धारणा प्रिपरेशन करके रखना तैयार रहना इस बात के लिए समझ की बात है बच्चे यही तो ज्ञान है होश में आओ